एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं श्री शैल। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल इट मैटर्स में। दोस्तों, कल हमने बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखा था आज के दिन के लिए। मैंने हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको बता ही दिया था और उसमें मैंने आपको बता दिया था कि कल अगर मार्केट 338,900 के ऊपर जाता है तो वहां से मार्केट बढ़ सकता है और अभी तक फिर ये हो सकता है कि अभी तक इसमें डाउन ट्रेंड की शुरुआत नहीं हुई है। ऐसा क्यों दोस्तों? देखा दोस्तों, मैंने कहा था कि ट्रेंड लाइन जो है इतनी पावरफुल होती है कि उसे तोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि कल से पहले फ्राइडे को जो ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन किया था और कल जो ओपन हुआ था फ्राइडे को नहीं सॉरी कल जो ओपन हुआ था वो ट्रेंड लाइन के ऊपर हुआ था, ट्रेंड लाइन के नीचे गया ही नहीं ये क्लोज। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि एनालिसिस का इतना ज्यादा महत्व होता है दोस्तों। ये ट्रेंड लाइन के नीचे गया ही नहीं दोस्तों, तो मैं आप सभी सभी से यही कहूंगा कि अभी मार्केट को हम डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब अभी मार्केट उस दौर से चल रहा है, अभी करंट उसमें बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है दोस्तों, बहुत ज्यादा। मतलब मार्केट आपको जब ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा तो आप 100% कह सकोगे कि अब ये नीचे जाएगा, लेकिन जब तक वो ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो ओवर बाइंग जोन में है मार्केट। एक्चुअली तो वहां पर ओवर बाइंग बहुत ज्यादा बाइंग हो चुकी है, लेकिन फिर भी ओवर बाइंग हो गई। आज जो कुछ भी हुआ है दोस्तों वो इम्प्रॉपर बाइंग हुई है दोस्तों। देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि RSI अगर 60 के नीचे आ जाता है तो हमें वहां पे एक सेलिंग का ट्रेंड मिलता है। तो आज जब ट्रेंड के खिलाफ यहाँ पे बाइंग होती है ना, तो उसे इम्प्रॉपर बाइंग कहते हैं। जो RSI में मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, ये एक आप सीख सकते हैं कि इम्प्रॉपर बाइंग कैसे कहे। ये बायर कैच करने वाली रैली है दोस्तों, ऐसा मुझे लगता है। जैसे कि MACD में भी देखिए दोस्तों, एक्चुअली ये इम्प्रॉपर बाइंग हुई है और मैंने आपको सिखाया है MACD में, जब प्रॉपर सेलिंग की जगह पर इम्प्रॉपर बाइंग होती है तो प्रॉपर सेलिंग जल्दी शुरू होता है दोस्तों, और वो इतने बड़े पैमाने पे होता है कि आप समझ नहीं सकते। आप अगर आपको ये फिर एक बार समझना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में MACD चैप्टर्स के लिंक दिए। MACD पे मैंने 3 चैप्टर्स बनाए दोस्तों, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां पे जाइए, MACD सीखिए, RSI सीखिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, आपको सब बातें समझ में आ जाएगी। और आपको एक उदाहरण के लिए मैंने आज फिर एक बार बैंक निफ्टी एनालिसिस ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो इम्प्रॉपर बाइंग का कैंडल बना है ना, ये ऊपर गया दोस्तों। लेकिन अब आगे क्या होगा देखिए दोस्तों, मार्केट में तो बायर कैचिंग रैली चल रही है। आप कल नेक्स्ट परसों जब मार्केट खुलेगा तो मेरे ख्याल से फर्स्ट स्टार्ट में तो वो पॉजिटिव ही रहने वाला है मार्केट, क्योंकि शायद अब यहाँ पर उसका जो ब्रेकडाउन है मैं बता दूंगा, उसका ब्रेकडाउन है 39,694 या फिर 39,700, वहां तक मार्केट जा सकता है। ठीक है, अभी 100-200 पॉइंट ऊपर जा सकता है, लेकिन उसके बाद उसमें डाउन ट्रेंड की रैली शुरू हो सकती है। ठीक है, लेकिन हमें फिर भी किसी भी में भी कॉल में भी बे नहीं, पुट में भी एंट्री नहीं लेनी है जब तक मार्केट प्रॉपर आपको एक दिशा ना दे। ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक नहीं आता तब तक आपको किसी भी तरह से एंट्री नहीं लेनी है, पुट में, फ्यूचर सेल में बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अब हम चलते हैं 15 मिनट या फिर 5 मिनट के चार्ट में। मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे मैंने कल आपको बताया था 38,900 के बाद ही मार्केट अगर ऊपर जाता है तब मार्केट में रैली दिखाई देगी। कैसे? देखिए, मैंने कल ही बताया था आपको। देखिए तो आज की ओपनिंग जो हुई है वो हो गई 38,522 पे हुई, और उसके बाद पहला कैंडल के बाद जब तक 38,900 तक मार्केट नहीं जाता है तब तक मार्केट ने क्या किया, इस तरह के कंसोलिडेशन दिए, इस तरह के कंसोलिडेशन दिए हैं दोस्तों। देखिए आप, लेकिन जैसे ही मार्केट 38,900 का ऊपर गया या यहाँ पे ये देखिए, ये जो कैंडल बनी है, ये कैंडल बनी है 38,900 के ऊपर वाली, उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों
कंटिन्यूअसली आपको डायरेक्ट मार्केट ऊपर चलेगा। ये ऐसा होता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस। तो अब आगे क्या हो सकता है देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ना, अब मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे तो पहले तो मैंने आपको बोला कि मार्केट, कल के वीडियो में बोला कि मार्केट जो है वो ऐसे 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 करके ही नीचे आने वाला है। उसमें से आज ये हो गया, कल शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन आना तो उसे ऐसे ही नीचे ही है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि किसी भी तरह की पोजिशन में बढ़ने से पहले आप कैंडल स्टिक सीखिए, आपको समझ में आएगा। अगर कल मार्केट माइनस होकर ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाता है तो मार्केट में 900% ना बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है। या फिर वैसे तो परसों का जो मार्केट है वो थोड़ा बहुत पॉजिटिव ही रहने वाला है ओपनिंग को। दोपहर की पोजीशन हमें दोपहर के बाद समझ में आएगी क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर भी मैं आपके लिए एक शॉर्ट एनालिसिस बताता हूँ 15 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट में क्या हो सकता है यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ से रैलियाँ हो गई है, RSI भी लगा देता हूँ। RSI लगाने से बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि क्या होगा। देखिए दोस्तों, RSI जो है ना बहुत ज़्यादा ओवरबाइंग में है। कितना है आप देखिए, 86-89 तक गया, यहाँ पर भी ओवरबाइंग है। तो यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है, सुबह आपको पॉजिटिव दिख सकता है, दोपहर को परसों या फिर तरसों मार्केट को नीचे की तरफ ही आना है दोस्तों। मार्केट नीचे की तरफ ही आएगा, अब कहाँ तक आएगा कैसे आएगा ये आपको मैं अभी 2 मिनट में समझा दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे एक ट्रेंड का, ट्रेंड निकालेंगे, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको अब पता चल चुका है कि किस तरह से इम्पोर्टेंस है ट्रेंड लाइन का। और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन्स जो कि ऑलरेडी उसने यहाँ पे अब ये जो ब्रेकआउट ये ब्रेकडाउन है ना उसे उसने टच किया, तो अब ये वाला जो ब्रेकडाउन है वो इनएक्टिव हो गया। तो अब एक्टिव तो यही है, तो हमारे लिए जो ब्रेकडाउन है वो ये 39,528 का ही है, ठीक है। तो वो हो गया ब्रेकडाउन। अगर मार्केट ओपन होता है ऊपर की ओर तो मार्केट नीचे आएगा दोस्तों, ठीक है। अगर मार्केट नीचे ओपन होता है शायद थोड़ा बहुत ऊपर चला जाए, फिर भी नीचे आएगा दोस्तों, ठीक है। बस इतना ही आपको आता है तो बस हो गया, आपको और कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है, कहाँ तक, अगर नीचे आया तो कहाँ तक। ऊपर का तो मैं आपको बताऊंगा ही नहीं दोस्तों, बाय तो मैं कहने को ही नहीं बोल रहा। आप, मैं तो कह रहा हूँ कि अभी आप किसी भी पोजीशन में ना ही पड़े तो बेहतर है। आप यहाँ से 400 पॉइंट हम नीचे के लिए लेंगे, यहाँ से 400 पॉइंट, ठीक है, 398। तो मार्केट अगर नीचे आता है दोस्तों तो हमारा कल का टारगेट है 39,200, ठीक है। तो दोस्तों हम इसे ऑब्जर्व के लिए समझ रहे हैं, ये एक एजुकेशन पर्पस का वीडियो है। आप इस वीडियो को सिर्फ देखिए, किसी भी तरह के कॉल पुट या फिर किसी भी तरह के बाय सेल के हम यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, ये सब आपकी नॉलेज के लिए है। मैं जो कुछ भी सिखाता हूँ आप मार्केट के ऊपर उसे एनालाइज करिए, आप भी सीखिए। मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए सभी लिंक को देखिए, फिर आगे आप खुद बहुत सारे चार्ट देखिए, प्रैक्टिस करिए, आप भी एक अच्छे खासे एनालिस्ट बन सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दी है, वहां पर जाकर आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए इंस्टाग्राम के लिंक पर जाइए और मुझे डायरेक्टली DM करें दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर एक ऐसी अच्छी तरह से एनालाइज की हुई वीडियो लेकर जल्द ही हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।